एवर वी गिव वी रिसीव, राइट? हमें सभी को पता है, अगर आप किसी को हेटर दोगे तो हेटेड ही रिसीव होगी एनर्जेटिकली। ऊपर से आप जितना मर्जी हंस लो, अंदर से उस पर्सन को भी पता होगा, उस सोल को भी पता होगा कि शी इज गिविंग मी द हेटरेड एंड ऑल। और सेम विद द गुड थिंग, सेम विद द लव। बट इफ यू गिव लव टू अदर पर्सन, यू विल रिसीव द लव। मतलब ऑब्वियसली जस्ट लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ यू विद योर योर चाइल्ड। यू आर गिविंग दैट लव, दैट केयर टू योर चाइल्ड। ऑब्वियसली इन रिटर्न आपके बच्चे भी आपको प्यार करते होंगे। अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप अपने बच्चों को जजमेंट दे रहे हो, अगर आप अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे, तो सिंपल ये है कि वो भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं और वो भी आपको जजमेंट देते हैं कि अरे माँ, मेरी मम्मी मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न इन द सेंस कि मॉडर्न थिंकिंग, सो मॉडर्न थिंकिंग नहीं, इनको समझ नहीं आता, इनको ये ओल्ड स्कूल है या जो भी उनका सीन है। सो इसीलिए वट एवर वी गिव वी रिसीव। सो सेम विद द ब्लेसिंग्स। इफ यू गिव ब्लेसिंग्स टू अदर पीपल, चाहे आप उनके मुंह पे जाके बोलो, चाहे आप उनको देख के बोलो, अगर आप उनको ब्लेसिंग्स दोगे तो उससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आएंगी।